जितेंद्र जी, हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है, याचिका को खारिज कर दिया गया है। जी, ये तो स्वाभाविक था, क्योंकि देखिए एएसआई सर्वे कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, किसी भी कमीशन या सर्वे के लिए किसी भी स्टेज पे न्यायालय में जाया जा सकता है किसी भी मुकदमे के अंदर, और ये कोई बड़ा विषय नहीं था। हमें पूर्ण विश्वास था ये फैसला हमारे फेवर में आएगा, न्याय संगत था और माननीय न्यायालय ने वही फैसला दिया जो आना चाहिए था, और मैं समझता हूँ जल्दी ही इस प्रकरण में एएसआई सर्वे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बात किया जाए तो आपको क्या लगता है, आज ही से एसआई सर्वे शुरू होगा या फिर आपको हाई कोर्ट का इंतजार करेंगे? देखिए, जो कोर्ट का आदेश जो मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है उसके अनुसार तो आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। बाकी डीएम साहब, कमिश्नर साहब के फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं आगे की प्रक्रिया के लिए, क्योंकि उसके लिए उनकी सहमति अनुमति आवश्यक होगी। जैसा उनका निर्देश होगा वैसा कार्य प्रारंभ होगा। संतोष जी, आज हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को याचिका खारिज कर दिया गया है। जैसा कि मैं पहले ही बताया था आपको और आपके चैनल के माध्यम से, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग पहले से निश्चिंत थे कि फैसला हिंदू पक्ष में आएगा, क्योंकि हमारे अधिवक्ताओं ने जिस तरह से दलीलें रखी थी, जो सबूत न्यायालय को पेश किए थे, उसके अनुसार फैसला हिंदू पक्ष में ही आना था। और आपके सामने हाई कोर्ट ने फैसला हिंदू पक्ष में ही दिया है, सर्वे जारी रहेगा और हमारे जो सनातनी सबूत आज भी सुरक्षित हैं उस ज्ञानवापी परिसर में, वो सबके सामने आएंगे, न्यायालय के सामने आएंगे, दुनिया के सामने आएंगे, और आने वाले समय में पूरा फैसला, पूरा ज्ञानवापी हिंदुओं को मिलेगा, जिससे आदि विश्वेश्वर के मंदिर का भव्य निर्माण हम लोग कर सकेंगे। बात किया जाए तो आज ही से एसआई सर्वे शुरू होगा या फिर आप लोग हाई कोर्ट का इंतजार करेंगे? ये तो अदालत का मसला है, अदालत में कब एएसआई सर्वे के लोग पहुंचते हैं और कब से निर्धारित होता है डेट सर्वे का, ये न्यायालय के ऊपर अधीन होता है। ये न्यायालय ही सुनिश्चित कर पाएगा, जिससे हमको पता चलेगा कि किस तारीख से सर्वे स्टार्ट होगा। सर्वे को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद करती हूँ जिसने भी ये फैसला, जैसे जब हम कल रात सोए थे तो हमें ये सपनों में भी नहीं आया था कि ये फैसला आ जाएगा, हरी झंडी आ जाएगी। और दो दिन पश्चात जब बिचलौती और विपक्षी जो कह रहे थे, आज उनको बहुत बड़ा ये तमाचा कहा जाएगा, ये तमाचा मिला है। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं, योगी महाराज जी को साधुवाद करते हैं कि यहाँ पे कोई हिंदू भाई मुस्लिम भाई कोई नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे बिचलौती लड़ा रहे हैं। तो उनसे एक संदेश देना चाहते हैं, जब औरंगजेब ने उस मंदिर को खंडित करना चाहा तो पूरा खंडित करके वो बना दिए होते, तो आज हमारे मन में जो आस्था थी पहले, जो लोग कहते हैं 2 साल पुराना है या जो भी साल पुराना है, तो वो हमें आस्था हमारी जागी नहीं होती। वहां त्रिशूल दिखा, वहां हमारे महादेव दिखे, जो विपक्षी कहते हैं फव्वारा है, वहां हमारे महादेव है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हरी झंडी दिखाने वाले का, और बहुत जल्दी ये विश्वास रखती हूँ कि वहां पे हमारे महादेव जी का, जो स्थापित महादेव जी बैठेंगे और हम पूजा याचना करेंगे।